गाइस क्या आप लोगों को पता है जो दूध के साथ केमिकल रिएक्शन भी किया जा सकता है। गाइस यार हाँ जी वही दूध है, हर घर के किचन में हर रोज यूज किया जाता है। तो गाइस यार आज के इस वीडियो में हम लोग इस दूध के साथ एक केमिकल रिएक्शन करके बताने वाले हैं। तो गाइस यार इस वीडियो में इस दूध के साथ हम लोगों को चाहिए एक पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि हम लोग पिछले वीडियोस में भी यूज किया था कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। गाइस यार आज हम इन दोनों को मिला के देखते हैं कि कैसा रिएक्शन होता है। तो आप फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को नीचे लाइक का बटन है जरूर से दबा दीजिए। सो गाइस यार पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। आई थिंक गाइस इतना काफ़ी है क्योंकि इसके अंदर और भी पोटेशियम परमैंगनेट डालने के लिए जगह चाहिए। गाइस यार मैंने इसके अंदर दूध डाल लिया है, अब पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देते हैं। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैंने दूध के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया है इसका कलर पूरा बदल चुका है। तो गाइस यार कुछ देर वेट कर लेते हैं, अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, दूध पूरा बाहर निकल रहा है गाइस तेरी। गाइस यार आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कितना खतरनाक रिएक्शन हुआ है तेरी। गाइस यार आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कितना खतरनाक रिएक्शन हुआ है। तेरे गाइस यार आप लोग देख सकते हो इसके अंदर का पूरा दूध खत्म हो चुका है। देखिए गाइस नज़ारा इसके अंदर का। सो गाइस यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना किस तरीके से दूध है सारे का सारा फैल गया है, वो भी रिएक्शन होने के बाद। एक बार देखिएगा ग्लास के अंदर। सो गाइस यार देखिए इसके अंदर का सारा दूध खत्म हो चुका है पूरा दूध। गाइस यार देखे हो ना दूध के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाने पर किस तरीके का रिएक्शन दिखता है। गाइस यार ये तुरंत ही कुछ ही सेकंड्स में इसका रिएक्शन हो गया है। और गाइस यार आप लोग देख सकते हो इसका पूरा नज़ारा जो है कुछ इस तरीके से हो गया है। सो गाइस यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने में कुछ नया मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोग लेके आते रहते हैं। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।